सागर जिले के शाहगढ़ थाना क्षेत्र में युवक की हत्या होने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना डुड़ियाखेरा गांव की है। सूचना मिलते ही शाहगढ़ थाना क्षेत्र पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां मृतक युवक मनोज यादव लहू लुहान हालत में पड़ा हुआ मिला के गले में और चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात को किसने अंजाम दिया और क्या वजह है, इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय मनोज यादव खेत की रखवाली करने के लिए रोज की तरह ही खेत पर गया हुआ था, लेकिन जब सुबह घर नहीं आया तो उसके पिता मुन्ना यादव बेटे को देखने खेत पर पहुंचे, जहां बेटे को देख पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पुलिस को जानकारी दी। तत्काल शाहगढ़ थाना प्रभारी उमेश यादव घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सागर से डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। सर, बीती रात ग्राम डोलियाखेरे में एक व्यक्ति की हत्या हुई, इस बारे बता दीजिए। रंजीत पिता मुन्नालाल यादव उम्र 40 साल निवासी डोलियाखेरे थाना सागर ने रिपोर्ट किया कि इसका भाई मनोज सबसे छोटा है, जो रात्रि 10 बजे करीब वहां पर रोज की तरह है फसल रखाने जाता था। सुबह जब इसके पिताजी गए तो उन्होंने देखा कि ये खून से लथपथ है और चेहरे तथा गर्दन में चोट है। सूचना पर अपराध धारा 302 कायम किया गया है और अज्ञात आरोप के खिलाफ वो भेजना जारी है और जैसे इसकी खोजबीन की जाती है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कि सागर जिले में 3 दिनों में ये तीसरी हत्या है। इसके पहले सागर और रहली में भी 2 हत्याएं हो चुकी हैं। शाहगढ़ से सुनील तिवारी, सागर टीवी न्यूज़।